इस मशवरे के मजलिस में आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए अपने भाई अपने मित्र प्रशांत किशोर की ओर से आदर स्वीकार कीजिए। ये मशवरे की महफिल मैं मजलिस है, राजनीति का मजलिस नहीं है। मुसलमानों को मशवरे की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है, इसको समझने की बात है। आखिर इस मजलिस को क्यों आह्वान किया जाए, हम तो गांव गांव जाकर आपसे मिल ही रहे हैं, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से आपके शहर से वापस आना क्यों बुलाया है। ये इसलिए कि आप अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो बिहार देश का बिहार का मुसलमान। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने हमको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहां पर दावा किया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है, आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई है, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई है कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने में। और आज आपको मशवरे की जरूरत बस ये है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों को तालीम की तरबियत की पढ़ाई की परवरिश की आपको नहीं करता है, तो मशवरा इसलिए करता है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे अल्लज़ी खलक, उसका पहला शब्द, उसका पहला शब्द इकरा, इसका मतलब है पढ़ो, इसका मतलब है पढ़ो। और आपका वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीएएनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इंडिया एयरलाइंस में चले गए तब आपको उनको अपना रहना नहीं मानना चाहिए, पार्लियामेंट मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार अब हमारा नया रहनुमा हो सकता है, तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालगेट पकड़ लिया, और जब नीतीश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे, इसीलिए आपको दोनों बार ठगना सहज करना था। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती। आप चुनाव चाहे जिसका भी कर लें, बिहार में 30-35 साल से आप लोग लालदेव को लालू जी को राजद को भोग करते हैं,
भाई कोई राजनीति वोट किसी को क्यों करता है? वोट करने की तीन ही वजह है। एक आप वोट करते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए, दूसरा आप वोट करते हैं अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, तीसरा आप वोट करते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। आप छोड़िए जन चुनाव की बात, आप इन तीनों पैमानों पर अपने 30 वर्ष के निर्णयों को कसकर देखिए। विकास आपको मिला है, आज बिहार में दलितों के बाद सबसे गरीब और पिछड़ा अगर कोई है तो मुसलमान है। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान मानेगा कि लालवानी के राज में मुसलमानों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर मुसलमान कहता है चलिए विकास नहीं हुआ कम से कम हमको अपनी सुरक्षा है, हमारी भागीदारी है, हमारे दल का की सरकार है। तो उस चीज को जांच कर देखिए, आबादी के हिसाब से मुसलमानों के 40 विधायक होने चाहिए, 40 विधायक होना चाहिए बिहार में मुस्लिम समाज का, है 19, लेकिन ये चिंता का कारण नहीं है। यह आपको चिंता का कारण लगता है कि मुसलमानों के विधायक 40 नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि दल वाले आपको टिकट नहीं देते। चिंता का कारण क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 के आसपास मुखिया और सरपंच होने चाहिए, लेकिन बिहार में 1200 से कम मुखिया ही मुस्लिम समाज के हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, है 11,000 से कम। ऐसा क्यों है? वहां तो आपको आबादी का टिकट का इंतजार नहीं करना, ये आंकड़ा बता रहा है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में राजनीति को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। ये सबसे बड़ा नुकसान आपको आरजेडी ने किया, आपको विकास दिया या न दिया, आपको ये राजनीतिक मानसिक गुलामी दे दी जिसने ये बता दिया कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो राजनीति हमको करने दो, हमारा झंडा लेकर पीछे जीवन भर चलते हैं। इसीलिए आपके बच्चे विधायक छोड़ गए, वो वार्ड सदस्य मुखिया का चुनाव भी लड़ने का हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। तो विकास आपको मिला नहीं, भागीदारी आपके पास है नहीं, सब सुनने के बाद हम सम्मान करता है चलिए कम से कम भाजपा को हरा दीजिए, हम लोग उसी में खुशी। तो उस नजरिए से भी देखिए, 1990 में जब आपने लालवानी को वोट देना शुरू किया तब भाजपा का बिहार में 0 सांसद था और देश में 2 सांसद, और आज 30 वर्ष भाजपा के विरोध में आपने वोट देने के बाद भी इस राज्य में भाजपा का गठबंधन 30 सांसद है और देश में 240। तो भैया आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं और भाजपा को आप हरा आए नहीं, तो आप क्यों उसी गति पर चले जा रहे? इसलिए मशवरे की जरूरत है कि बैठिए मशवरा कीजिए कि कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। आपको क्या बताया गया, रास्ता न दिखे तो साहिब अक्ल से जाकर मशवरा करो, साहिब अक्ल से जो समझदार लोग हैं उनसे जाकर मशवरा करो, लेकिन मुसलमान आज मशवरा नहीं करना चाहता, बैठा हुआ था, वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता था, उसको भाजपा का दर्द उठाकर ये राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना दिया गया, इसलिए ये जनसुराज की व्यवस्था बनाई गई। अब हम आपको आपकी परिस्थिति पर चर्चा करने के लिए खाली नहीं बुलाए, आपको अभी इससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे, आपके सामने अभी यहां पर वो रास्ता बताएंगे, आपको खुद दिखेगा कि कैसे आप अपने बच्चों की राजनीति में भागीदारी भी करा सकते हैं, विकास भी कर सकते हैं और भाजपा को मुकम्मल हरा भी सकते हैं। तो जिसको जिसको ये समझना है, अभी तक आप ये जानते हैं
कि अगर भाजपा को हराना है तो एक वायु समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में, एक वायु समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे। लेकिन उस सारे समीकरण का भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब एम वायु समीकरण कहीं बचा ही नहीं, अब समीकरण है वायु एम। जहां वायु खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल एम समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा वायु समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोगों को धोखा दे रहे हैं, नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना लीजिए तो भी यही होगा। जब लोग खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें कट के हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ का वोट करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक आंकड़ा याद रखिए, इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है, इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं है, वो सभी जातियों में है। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना ये है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो हिंदू अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और वो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए हैं। तो राजनीतिक सफलता का जो मंत्र है